धान कटिंग हो गया है और यहाँ से धान भी लेके चला गया, लेकिन हमने धान कटिंग करते वक्त हमने हेल्प नहीं कर पाया। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत करता हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। तो आज है 25 अक्टूबर और मैं हूँ इस वक्त माहौर पे, और माहौर पे इसलिए आया हूँ कि बहुत दिन का बाद अपना जो फार्म है उसको विजिट करने वाला हूँ। आज क्या है क्या नहीं है सब कुछ देखने वाला हूँ। वैसे तो हमारा जो पार्टनर है दो लोग, वो लोग देखभाल करता है, हम लोग टोटल तीन है। तो हमने काफ़ी दिनों से नहीं आया, अराउंड 25 to 26 days हो गया है ना जो फार्म है ना उसमें नहीं आया हूँ। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ फार्म पे और बारिश अभी थोड़ा थोड़ा दे रहा है, हल्का हल्का बारिश है, फॉग बादल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अगर दूर दूर तक। रास्ता तो काफ़ी साफ करके रखा हुआ है अभी, और इस टाइम का मौसम है ना लीच बहुत ही होता है यहाँ पे। ये देखो कुछ भी दिखाई नहीं रहता, वरना इस तरफ जो मेन रोड है हाईवे उसको गाड़ी जाते वक्त भी दिखाई देता। ये अभी इस टाइप का मौसम में ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और रास्ता जो है बहुत ही स्लिपरी है, हमें समझ के चलना होगा और यहाँ पे ना जल्दी जाना होगा ताकि लीच ना आए हमारा पास। तो वही है, चलते हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा जो फार्म है वो मिलने वाला है। फाइनली मिल चुके हैं हमारा जो फार्म है, यह है सुपारी का पेड़। यहाँ तो साफ करके रखा हुआ है, इस तरफ थोड़ा साफ करना पड़ेगा और एक बार। माय गॉड पानी तो पूरा भर गया फोन पे। पूरा भर गया पानी, पानी जा रहा है इस नाला से भी। बारिश तो दे रहा है हल्का हल्का, फिर भी फार्म में आने के बाद बहुत सारा काम हो गया। तो फिलहाल मैं अभी किचन यहाँ पे बना के रखा था हमने पहले, तो इस किचन को हम यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ। ये देखो फास्ट डार्क, इसको अभी 10-15 जैसा सेल आउट करने वाला हूँ। अभी टाइम हो गया है सेल करने के लिए। लकड़ी थोड़ा सा फाड़ के रखा हुआ है, और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ सरगुल्ले का घर, बकरी का घर, और दो लोग ही हैं इधर अभी। हेलो हाय, क्या हो रहा है? डर रहा है कैमरा को, डर रहा है। ये नींबू है, नींबू, ये वॉशरूम, ओ पानी तो आ रहा है बराबर ही। अरे यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा पूरा रो रहा है, यहाँ तो है दाना। ये किसे निकल गया भाई, इसने कैद करके रखा था दो अंडा है। यहाँ तो बहुत सारा है, 11 तो है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, 3 अंडा देख के रखा है। चलो अभी मछली को
दाना देते हैं। तीन नंबर है ये दाना। मैंने यहाँ पे तीन टाइप का मछली डाला हुआ है, एक है ग्रास कार्प और एक है कोमल गाट और एक है रूप चांदा। और इसमें ना जापानी कोई भी आ गया, पता नहीं कैसा आ गया जापानी कोई। सर ग्रास कार्प लाने में ना उसमें मिक्स हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ है। ये देखो मेरे हिसाब से तो एक किसी तो होना चाहिए। लास्ट टाइम मैं चेक करके गया था उस टाइम में तो लगभग 800 to 900 ग्राम होकर रखा हुआ था। इसका बहुत डर से यार, नदी में एक बार गिर जाएगा ना मर जाएगा सब। ये देखो ये पैर को काट के देने वाला है हम। एक हो गया, अभी दो। चलो इसको जाके देता हूँ। तो ले लिया पकड़ के लिए। ये देखो कैसा खा रहा है, कप कप खा रहा है। इसके पीछे में ना ये क्या हो गया देखो ना, कितना बड़ा हो गया। इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए भाई, ट्रीटमेंट। इसका घर में कैद करने पड़ेगा वरना यहाँ पे ना बहुत लेतरा हो जाएगा। ये चल भी नहीं सकता यार, धीरे धीरे चलते हैं। पाई 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 आ 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 कितना इजी है। कंप्लीट, अब यहाँ का काम चल रही है। अभी इसको देने वाला हूँ अभी हम लोग, ये बम्बो। पहले एक लेके ट्राई करते हैं, वाह मजा आएगा। चलो इसको डाल लेते हैं।
कंप्लीट। चलो इसको साफ कर लेते हैं अभी कपड़ा से। ये देखो यहाँ पे पूरा खाली कर दिया हमने, ताकि कुछ कुछ सामान है इसको बाद में डालने वाला हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा स्पेस बन गया। इसमें करीब अभी 2, 3, 4, 6, 7, 10 आदमी भी सो सकते हैं यहाँ पे। तो देखो हमने किचन कैसा सेटअप किया है। नीचे में सामान रखने के लिए भी बना दिया, और ऊपर में तो ये पहले ही बना के रख दिया था हमारा जो पार्टनर। और यहाँ पे तो एक छोटा सा सामान वामान रखने के लिए, और यहाँ तो बस सोने के लिए जगह बना दिया, ये पहले ही बनाया हुआ है। तो ये इसमें सेटअप कर लिया, क्योंकि वहाँ पे जो ना ज़रा वो हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे किचन वो लगा दिया। बाकी आग के लिए हम लोग बाहर में करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग आग जलाने के लिए। ये देखो यहाँ पे बनाने वाला है। फिर भी ना ये जो मौसम है कुछ बोल नहीं सकता। ये देखो यार कल धूप होगा कि नहीं होगा। शाम की अभी 3:42 हो चुका है, लेकिन फिर भी 3:42 में से बेटर है। ये देखो आप चेक करो, चारों तरफ बादल ही बादल है। और ये जो बादल है ना इसमें सब पानी है, थोड़ा थोड़ा करके पानी गिर रहा है। बादल नहीं बोलूँगा उसको, क्या बोलूँगा उसको, बारिश ही दे रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई फार्म।